नीमच जिले सहित कुकड़ेश्वर नगर में भी महिलाओं ने गणगौर हर्षोल्लास के साथ मनाई। वह गणगौर व्रत और पूजन भी उत्साह के साथ किया। बता दें कि यह पर्व 16 दिन का होता है, जो 25 मार्च से प्रारंभ हुआ था और आज 11 अप्रैल को गणगौर पूजन के रूप में इसकी समाप्ति हुई। कुकड़ेश्वर नगर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में गणगौर माता व ईश्वर भगवान की झांकी सजाई और उन्हें पारंपरिक गहनों से श्रृंगारी किया। महिलाओं ने पारंपरिक गहने पहनकर व सज धज कर माता गणगौर की पूजा की कथा सुनी तथा गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती जैसे अनेक मंगल गीत गाए। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर गणगौर माता के प्रति अपनी श्रद्धा जताई। महिलाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में माँ गणगौर को भोग लगाया व पानी पिलाया। भारतीय सनातन सभ्यता में अखंड सुहाग का प्रतीक गणगौर के पूजन और व्रत का अपना एक अलग ही स्थान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला यह त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। माँ पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी और उसी तप के प्रताप से भगवान शिव को पाया। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर पूजा सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जो सामाजिक एकता, संवेदनशीलता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। बसंती और रीना टोडावाल ने बताया कि विगत कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ नगर की महिलाएं और युवतियाँ सुख समृद्धि की कामना के साथ साथ अमर सुहाग और कन्याएं अच्छे वर की कामना से पूजन करती हैं। दीवार पर मेहंदी रोली से 16 बिंदियां लगाकर 16 बार जल के छींटे धूप व पत्तों से लगाकर पूजा करती हैं और मंगल गीतों का गान करती हैं। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।